दोस्तों, क्या आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है 2-3 घंटे में चार्ज होती है? जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते होंगे दोस्तों, बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज नहीं होती। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, यदि इन ट्रिक्स को आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर दोस्तों अप्लाई करेंगे दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी और आप चौंक जाओगे। दोस्तों, उससे पहले आपको एक काम कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि जो मेरे मोबाइल फोन की जो बैटरी है 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाए, वो कैसे करना है दोस्तों, जो सेटिंग बताऊंगा ना, वो आपको खुद ही अपने मोबाइल फोन के अंदर ऑन करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी है ध्यान से समझना दोस्तों। अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में आना है। यदि आपके पास कोई पोको का मोबाइल फ़ोन है तो यहाँ पर आपके सामने अबाउट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके अंदर आना है। तो उस पर आपको वहाँ पर बिल्ड नंबर दिखेगा, उस पर आपको 7 बार दबाना है। यदि आपके पास कोई वीवो का मोबाइल फ़ोन है तो नीचे आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अबाउट फोन का, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, दोस्तों ये ऑप्शन देखने को मिलेगा बिल्ड नंबर, इस पर आपको 7 बार टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 बार टैप करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब उसके अंदर मैं आपको सेटिंग बताऊंगा, वो सेटिंग कर लेनी है और आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी, ठीक है। बैक आना है, बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सिस्टम का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर की सेटिंग के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिला, स्टे अवे स्क्रीन विल नेवर स्लीप विल चार्जिंग। अब ये सेटिंग्स यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑन होगी। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते होंगे तो जो आपकी स्क्रीन है वो दोस्तों बंद ही नहीं होती, ठीक है, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन का जो फास्ट चार्ज ऑन नहीं होता और आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी जल्दी चार्ज नहीं होती। अब इस सेटिंग्स को क्या करना है, यहाँ पर इस सेटिंग्स को आपको ऑफ कर देना है। अब दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाएंगे तो आपकी बैटरी है ना, जो होम स्क्रीन है वो दोस्तों ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, जिससे आप फास्ट चार्ज इनेबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये फर्स्ट नंबर की ट्रिक है। अब दोस्तों बताने वाला हूँ आपको सेकंड नंबर की ट्रिक, दोस्तों ये भी आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दोस्तों ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, ध्यान समझना, ये है दोस्तों बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ठीक है। दोस्तों ये दो सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, डोंट कीप एक्टिविटीज़, ठीक है, ये सेटिंग्स आपको आपको क्या काम करनी है, इस सेटिंग्स को यहाँ से ऑन कर देना है, ये ऑफ होगी आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, ठीक है। इस सेटिंग्स को ऑन करने के बाद अब आपके जो भी आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो दोस्तों नहीं होगी, जो भी आप दोस्तों यूज करेंगे ना वही एक्टिविटीज़ होगी यहाँ पर और आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर उसके नीचे ही एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, अब इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट होगी। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, कुछ भी आप अपने मोबाइल फोन के अंदर कितनी भी एप्लीकेशन का यूज करते होंगे वो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आपकी फास्ट चार्ज इनेबल नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने में, नो बैकग्राउंड प्रोसेस, आप दोस्तों इसको यहाँ पर एट मोस्ट एक प्रोसेस, अब दोस्तों जिस भी एप्लीकेशन का आप यूज करेंगे एक एप्लीकेशन का, सिर्फ वही बैकग्राउंड में चलती रहेगी और दोस्तों आपका फास्ट चार्ज इनेबल हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों दो सेटिंग इसमें करनी है आपको, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आने के बाद अब दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन होती है ऐप्स, ठीक है, ऐप्स होती है या ऐप मैनेजमेंट। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, उस पर क्लिक कर देना है, उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन है ना, ठीक है, उस पर आपको यहाँ पर आ जाना है और दोस्तों उस एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों बैटरी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आना है। दोस्तों ये यहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड सेट होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसे ऑप्टिमाइज पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बैकग्राउंड में ये रन नहीं करेगी, ठीक है, आपकी बैटरी दोस्तों एकदम से फुल चार्ज हो जाएगी। दोस्तों इसे ऑप्टिमाइज पर आपको कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप इन सेटिंग्स को यदि अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर दोस्तों अप्लाई करेंगे ना दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है 30 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाएगी। दोस्तों आप मुझको कमेंट में बताना, यदि इन सेटिंग्स को करने के बाद आपको कुछ फ़ायदा मिला हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपका दिन शुभ हो।